हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बच्चे को कौन सी पोजीशन में दूध पिलाना चाहिए। काफ़ी सारी महिलाएं रहती हैं, काफ़ी समय से वो लेटे लेटे दूध पिलाती हैं या एक ही पोजीशन में दूध पिलाती हैं, जिससे काफ़ी थकान महसूस होती है और बेबी को भी कंफर्ट नहीं लगता है। तो कुछ आप अगर आपका बेबी छोटा है तो आप कुछ ऐसी अलग अलग तरीके की पोजीशन को फॉलो करके अपने बच्चे को फीडिंग करवा सकती हैं, जिससे आपको भी थकान नहीं लगेगी और बच्चा भी इंजॉय के साथ फीडिंग लेने लगेगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि कई बार हमारे पास ये क्वेश्चन आते हैं कि बच्चा जो है फटा हुआ दूध निकाल देता है, मुंह में से दूध डाल देता है। साथ ही कई बार महिलाएं बच्चे का जब कान में दर्द होता है और कान बहने लगता है या बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगता है, वो अच्छे से डकार नहीं ले पाता है, तो कई बार आपके दूध की पोजिशन गलत होने की वजह से भी बच्चा ऐसा करता है। तो आप जब भी फीडिंग करवाइए अपना एक घुटना ऊपर ज़रूर करिए, यानी कि आपको एक पैर जहाँ भी आप बेबी का राइट या लेफ्ट रहते हैं तो उस पैर को ऊँचा कर रखिए। या जो आपके पैर के नीचे है, एक पिलो का यूज़ कर सकते हैं, पिलो को रख सकते हैं और अलग अलग पोजीशन में बेबी को फीडिंग करवा सकते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि आप पिलो पर भी बच्चे को लिटा सकते हैं, क्योंकि जो पहली बार माँ बनने वाली रहती हैं उनको एकदम इतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है, कभी कभी बच्चा अच्छे से दूध नहीं पी पाता है। तो आप ऐसी पोजीशन पिक्चर में देखिए और बच्चे को फीडिंग करवाइए, जिससे बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पूरा पोषण मिल सके, बच्चा पूरा भरपूर मात्रा में फीडिंग कर सके, पूरे भरपूर मात्रा में अपना खाना खा सके। तो आप देखें यहाँ पर पोजीशन दी हुई है, आप इन पोजीशन को फॉलो करके बच्चे को फीडिंग करवा सकते हैं। अब यहाँ पर कैंडल पोजीशन दी है, क्रॉस कैंडल पोजीशन दी है, फुटबॉल होल्ड वाली दी है, लेड बैक वाली दी है, साइड अप वाली दी है। तो आप इन पोजीशनों में अपने नवजात शिशु को, या अगर आपका बच्चा एक मंथ से बड़ा है तो आप, मैं आपको बताऊंगी कि आप उसको गोद में लेकर ही दूध पिलाइए। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, घुटने चलने लग गया है, क्रॉलिंग करने लग गया है, उलटना पलटने लग गया है, तब आपको इस तरीके से आप फीडिंग करवा सकते हैं, नहीं तो आप लेट कर भी करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखिए, अगर आपका बेबी बार बार दूध डाल देता है, उसको दूध अच्छे से हजम नहीं हो पाता है, डाइजन सिस्टम थोड़ा सा उसका वीक है, तो आप तब उसको गोद में लिटाइए और फीडिंग जब भी करवाते हैं डकार ज़रूर दिलवाइए। इससे बच्चे को काफ़ी सारी जो गैस से रिलेटेड परेशानी रहती है, डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं रहता है, उसमें उसको रिलीफ मिलता है। कुछ ऐसी पोजीशन है जिससे आप आपके बेबी को पर्याप्त मात्रा में पूरा पोषण दे सकते हैं, उसको हेल्दी बना सकते हैं, कई सारी परेशानी और बीमारियों से बचा सकते हैं। जैसे आज हमारे पास एक कमेंट आया था जिसमें उनके बच्चे का बहुत कान बह रहा है और बेबी को लेट कर दूध पिलाते हैं, तो आप बेबी को लेट कर बिल्कुल भी ना दूध पिलाइए। आप उसको गोद में लीजिए, आप उसको जब भी दूध पिलाते हैं अपने पैर दोनों में से एक, जिधर भी राइट या लेफ्ट, उसको ऊँचा ज़रूर रखिए और बच्चे को जितना हो सके अपने पास रखिए, अपने चेस्ट से अपने सीने से कर रखिए, ताकि बच्चे को अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। तो ये कुछ पोजीशन है जिससे आप बच्चे को मिल्क और फीडिंग करवा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।